Uh, इस टॉपिक uh, में वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ द नेफरॉन इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है क्योंकि ये फंक्शनिंग uh, एक ही मॉड्यूल के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ फाइव टू टेन मिनट्स नहीं हो एक्सप्लन uh, नहीं किया जा सकता तो ये द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिथिलियल सेल्स क्योंकि जाहिर है कि जब हम ने स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करेंगे तो जाहिर है कि हम नेफ्रॉन के सेल्स का जिक्र करेंगे कि वो सेल्स कैसे हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनके काम क्या है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एपीथील सेल्स लाइनिंग द्यूमन ऑफ द नेफ्रॉन दैट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेफ्रॉन जैसे जैसे आ, ये नेफ्रॉन का कोर्स बदलता है आगे बढ़ता है लोग पहले प्रॉक्सीमल ट्यूल टिब्यूल आती है फिर neph फिर बोमेन सॉरी हेनलेस लूप आता है फिर डिजिटल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आते तो ये नेफ्रॉन की ये सेल्स जो हैं उनके अंदर भी चेंज आती है उनका स्ट्रक्चर बदल जाता है उनकी शेप बदल जाती है इसलिए उन सेल्स का फंक्शन भी बदल जाता है तो सो इन द कोर्स ऑफ नेफ्रॉन ये चेंज होता है एंड हैव सेगमेंट्स नेम्ड बाई देयर लोकेशन विच रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट दैट इज फंक्शंस जैसे जैसे उनका स्ट्रक्चर बदलता है उसके फंक्शन भी बदल जाते हैं और इसके अंदर तीन मेन फंक्शंस हैं जिनका हम जिक्र करेंगे वन आफ्टर अदर और विच इज़ द फिल्ट्रेशन दैन द री और सीक्रेशन तो सबसे पहले तो हम ये फिल्ट्रेशन को डिटेल में देखते हैं और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दिस इज दोमेंस कैप्स्यूल जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है क्योंकि इट इज जस्ट लाइक ए कप जो कि ऐसा बल्जिंग है विच uh, uh, जो कि इनसाइड हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये कप बना हुआ है राउंडेड कप है वॉज टाइप स्ट्रक्चर और इसकी जो uh, ये लाइनिंग्स हैं ये आप देखें ये सेल्स ये सेल्स अंदरूनी सेल्स दे आर डिफरेंट फ्राम दोल्सेंट इन दिस तो क्यूबॉइडल सेल्स हैं जबकि ये फ्लैट सेल्स हैं तो इसलिए इनका फंक्शन भी मुख्तलिफ है दोनों का तो द ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट जैसे हम जानते हैं कि इज द टफ्ट ऑफ फिल्टरिंग कैपिलरीज लोकेटेड इन द बोमेंस कैप्सूल नाउ ईच ग्लोमेरुलस दैट रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल ऑफ द रीनल सर्कुलेशन सो वी आर फेमिलियर कि ये जो आर्टरी है वो कहाँ से आ रही है वहाँ पे एक एक बन रहा है एक नेटवर्क बन रहा है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं तो सो द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर प्रोवाइड्स ड्राइविंग फोर्स फॉर वाटर द सोलूट्स टू बी फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा यहाँ पे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और इस ब्लड के अंदर यू नो ब्लड सेल्स भी हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं फिर इसी के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी हैं इसी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं तो इस पॉइंट पे आके ब्लड इज़ टू बी फिल्टर्ड अब इसमें जब हम किसी भी चीज़ को फिल्टर करते हैं तो क्या होता है कुछ चीज़ें तो फिल्ट्रेट की फॉर्म में दे कम आउट ऑफ द फिल्टर और कुछ चीज़ें ऊपर रह है जाती हैं जो ऊपर रह है जाती हैं उसे हम रेजिड्यू कहते हैं जो इसमें फिल्टर में से पास कर जाती हैं उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं और इसके अंदर ये जो फिल्ट्रेट है इट इज़ ए माइक्रो फिल्ट्रेट में इट अलाउज इट इसके अंदर प्रोसिटी जो है इस फिल्टर की इट इज वेरी थिन माइक्रॉन बल्कि मिली माइक्रॉन की फॉर्म में है और वो हमें देखना है कि वो फिल्टर इनफेक्ट कैसा है वो इसकी इसकी क्या नेचर है तो द वॉल थ्रू विच दिस ब्लड फिल्टर्स फिल्टर यूनिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर इट इज कंपोज ऑफ थ्री लेम दें बेसमेंट पेम्प्रेन एंड एपीथिलियम जिसे हम पोडोसाइट कहते हैं ऑफ बोमैंस कैप्सूल और द फिल्ट्रेट कम्स आउट ऑफ इनटू द स्पेस कॉल्ड बोमैन स्पेस और जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा और अगली डायग्राम में हम ये देखते हैं कि वो फिल्टर क्या है वो किस किस्म का फिल्टर है जिसमें से ब्लड फिल्टर होता है और फिल्ट्रेट बनता है तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये जो रेड सेल्स हैं दिज आर द सेल्स ऑफ द कैपिलरीज और जैसे द ब्लड कैपिलरीज विच इज द मैरुलस और उसके बाद दिस कम्स दी दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज दिस ग्रीन हिस्सा जिसे हम कहते हैं दिस इज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके बाद फिर ये पोडोसाइट्स हैं और ये पोडोसाइट्स जो हैं सेल्स जिन्होंने को पकड़ा हुआ है एक लिहाज से बिल्कुल ऐसे जैसे कि टहनी के ऊपर जब बैठता है परिंदा बैठता है तो उसके वो पंजे उस पर वो एनसर्कल कर लेता है तो इसी तरह ये पोडोसाइट सेल्स भी हैं और ये पोडोसाइट सेल्स की फीट है दीज आर दीट तो पोडोसाइट फुट प्रोसेस है तो, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक ये लेयर है एक रेड uh, लेयर है एक ग्रीन लेयर है और ये एक पोडोसाइट uh, प्रोसेस की लेयर है तो so, ब्लड इसमें से पास करके कम्स इन दिस बोमेन स्पेस जिसे हम ग्लोमेरुलर uh, फिल्ट्रेट कहते हैं ओके द फिल्ट्रेट। नाउ द फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लूकोज जिसे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एसिड और इसके अलावा आयंस कैल्शियम फॉस्फिट आयंस एंड द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट देर इज यूरिया एंड यूरिक एसिड क्योंकि बेसिकली तो इन यूरिक एसिड को ही इलिमिनेट करना है फ्रॉम द ब्लड और ये कहाँ से आते हैं ये यूरिया यूरिक एसिड ये दरअसल प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट पे आते हैं और दे आर मस्ट भी रिमूव्ड क्योंकि अगर ब्लड के अंदर इन चीज़ों की कंसनट्रेशन बढ़ जाए खास परसेंटेज तो दैट क्रिएट सो मैनी दर इज प्रॉब्लम वही फिर डिजीज का बसबा बनती हैं वही फिर रीनल फेलर का सब बनती हैं तो इस लिहाज से दे आर टू बी रिमूव्ड